मध्य प्रदेश में जहां कई गांव में लोग वैक्सीनेशन के नाम पर भाग रहे हैं, तो वहीं होशंगाबाद जिले में तस्वीर कुछ उलट ही सामने आई है। जिले की पावरखेड़ा ग्राम पंचायत अब वैक्सीनेशन फ्री हो चुकी है, मतलब इस ग्राम पंचायत के सभी लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, जिसको लेकर विधायक सीता शरण शर्मा ने पंचायत के विकास कार्यों को लेकर 10 लाख रुपए स्वीकृत करवाए हैं। ग्राम पंचायत पावरखेड़ा होशंगाबाद जिले की पहली 100% वैक्सीनेशन वाली पंचायत हो गई है। इसके लिए विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने पंचायत के विकास कार्यों के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा पूर्व में 100% वैक्सीनेशन पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए 10 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की थी। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, कोरोना वॉलेंटियर्स, जिला प्रशासन टीम आदि के समन्वित प्रयासों से एवं ग्रामीणों की जागरूकता से ये संभव हो पाया है। विधायक ने इस उपलब्धि के लिए ग्रामीणों एवं स्वास्थ्य विभाग सहित टीकाकरण कार्य में लगे सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी है। ग्रामीण पंचायत का कुल टीकाकरण का लक्ष्य 320 का था। 1 मई से काम चल रहा था ग्राम पंचायत पावरखेड़ा फार्म में। 3 बार यहाँ कैंप लगे, तो पहले और दूसरे दौर में तो लोग जो यहाँ शिक्षित भी हैं, क्योंकि शासकीय एरिया सब कर्मचारी हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो बढ़ चढ़ के भाग लिया। लेकिन बाद में जो थोड़ा तीसरे दौर में जो हमने 2 दौर में पूरे होने के बाद 35 लोग जो रह गए थे, उनमें थोड़ी मोटिवेट करने में हमें मेहनत करना पड़ा। हमारे टीम ने उसमें मेहनत की और 3 लोग तो हम बैतूल ज़िले के ग्रामों से जो यहाँ चले गए थे परिवार में रिश्तेदार में, उनको उसी दिन लेके आए। और एक मतदाता भोपाल में था, उसको भूपेंद्र भाई जी उनके सहयोग से वो आए। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं 100% वैक्सीनेशन से खुश हुए बीजेपी विधायक ने भी कहा कि ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए विकास कार्य के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। ये घोषणा भी की कि जो ग्राम पंचायत सबसे पहले 100% करेगी, उसको 10 लाख रुपए डेवलपमेंट के लिए दिए जाएंगे। तो एक उत्साह सा भी जगा, और अब तो इतनी जागरूकता आ गई है कि सारे ग्रामीण क्षेत्र के, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र, खबरें आ रही हैं कि हमारे यहाँ कैंप लगवाइए और हम लोग टारगेट पूरा करेंगे। तो इसका अच्छा असर हुआ है, और ये हमारे लिए, यद्यपि ग्राम पंचायत छोटी है और एक तरह से मैं तो ऐसा मानता हूँ कि प्रतीकात्मक है, कम हो पर उनकी मेहनत इसलिए हम मानते हैं कि 32 लोग, 4 लोग बाहर से बैतूल गए हुए थे, उनको फोन करके वैक्सीनेशन के लिए। बता दें कि पावरखेड़ा ग्राम पंचायत के इस उपलब्धि को लेकर होशंगाबाद कलेक्टर धनंजय सिंह ने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, कोरोना वॉलेंटियर्स, जिला प्रशासन टीम की जमकर तारीफ की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए होशंगाबाद से गजेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।